भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो 1913 में आई थी और उस समय इस फिल्म का बजट 15,000 रुपए था। लेकिन यह तो हो गई भारत की बात, क्या आपने कभी सोच कर देखा है दोस्तों कि दुनिया की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी और किस देश में बनी थी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। दुनिया की सबसे पहली फिल्म का नाम है राउंडे गार्डन सीन जो 1888 में आई थी और यह फिल्म फ्रांस में बनी थी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह सब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। दुनिया की सबसे पहली रंगीन फिल्म क्यूपिड एंगलिन थी। यह फिल्म 1918 में आई थी जो कि कैलिफोर्निया हॉलीवुड में बनी थी और अभी भारत में रंगीन फिल्म नहीं आई हुई थी। भारत में रंगीन फिल्म इसके 19 साल बाद आई थी। इस फिल्म का नाम कृष्ण कन्हैया था जो 1937 में आई थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा।